भारत माता की जय, वंदे गौ माता। मैं कालू सिंह और अक्षदल तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। कालू भाई, आपसे ये सवाल है हमारा, आज शहर के अंदर जो आज माहौल क्रिएट हुआ, आज इसके उसके जिम्मेदार कौन है? आज इसके जिम्मेदार सरासर पूरा पूरे तेलंगाना की पूरे भाग्यनगर की जनता देख रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार तेलंगाना का मुख्यमंत्री का बेटा KTR है। किस लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मनोहर फारूकी जो कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन जो भाग्यनगर में आके शो करता है, उससे पहले हम तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना के होम मिनिस्टर और तेलंगाना सरकार को ये ऐलान कर दिए थे कि इस मनोहर फारूकी का प्रोग्राम मत करो, ये क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर मजाक बनाता है, हिंदू देवी देवताओं को कॉमेडी टाइप में बतलाता है। तो हम पहले ऐलान कर दिए थे कि इसका शो यहाँ पर नहीं होने देना बोल के पहले ऐलान कर दिए थे तेलंगाना गवर्नमेंट को। फिर को भी तेलंगाना गवर्नमेंट मुख्यमंत्री का बेटा KTR होना बोल के हिंदुओं के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए इसका शो कराया गया है यहाँ पे होना बोल के। पूरी आवाम का ये कहना है कि BJP राजा सिंह ने कुछ मुसलमान जो नबी रहते हैं उनके खिलाफ बोल के इसके लिए ये माहौल पूरा क्रिएट हुआ सो है ये। मैं आज तेलंगाना की आवाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, पहले इस चीज़ के बारे में सर्च करिए। राजा सिंह जी ने पहले बतला दिया था कि ये मनोहर फारूकी का प्रोग्राम तेलंगाना में नहीं होना बोल के ये पहले बोल दिए थे। उसके बाद भी ये होना बोल के गवर्नमेंट और यहाँ के होम मिनिस्टर पुलिस द्वारा होना बोल के यहाँ पर प्रोग्राम लगाया गया। मैं ये पुलिस को इसलिए दोष नहीं डालता हूँ कि क्योंकि पुलिस की इसमें गलती नहीं है, ये गलती किसी के इशारे पे काम हुआ है। तो ये सभी को पता है ये किसके इशारे पे हुआ। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये पूरा जितना भी तेलंगाना भाग्यनगर का माहौल ख़राब हो रहा, इसका जिम्मेदार KTR है। राया सिंह कुछ नहीं है उसमें। देखिए, अब BJP ज्वाइन होने वाले हैं, अभी तो देश की धर्म की रक्षा के लिए अभी काम करना है हमारे को, और पूरे हिंदुस्तान में जो धर्म के लिए काम आने वाली पार्टी वो BJP पार्टी है। तो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आने वाले दिनों में वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो धर्म की देश की रक्षा के लिए जब तक हमारे को करना है जब तक धर्म का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे मोबाइल पे डेली 200 से ज़्यादा कॉल्स आते हैं, और कालू सिंह जहाँ पर भी दिखा वहाँ पर तेरा सर तन से जुदा बोलकर इस कॉल आ रहे हैं, तो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या कालू सिंह क्या हिंदुस्तान में रह रहा है पाकिस्तान में रह रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ आज तमाम मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम सबको एक होना होगा और हिंदुत्व की शक्ति को, इन देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को हमारी शक्ति को बतलाना होगा, और जो भी हिंदू विरोधी काम करता है तेलंगाना में हमको उसकी भाषा में जवाब देना होगा। कालू भाई, आपको अभी तक कई जगहों पर हमला हुआ, ऐसे तो कई सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि आपको पुराने पुल पे हुआ और करमन घाट पे हुआ, शमशाबाद पे भी हुआ आपको, और आउटर रिंग रोड पे भी हुआ, कई जगह हमला हुआ, आपकी कार को डैमेज हुई और आपकी कार पलटी होते होते बच्चे, आपको मौत से डर नहीं होता? जब धर्म की देश की रक्षा के लिए जब दिल में ठान लेते तो डर किस बात का। और मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम किसी के धर्म को ठेस पहुँचाते नहीं, जो हमारे धर्म को ठेस पहुँचाया हम उसको छोड़ते भी नहीं, तो डर किस बात का तो नहीं है। धर्म की देश की रक्षा के लिए पिछले 12-13 साल से कार्य कर रहे हैं हम, और आने वाले दिनों में भी काम करेंगे देश।